अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये टाइम हमारे लिए निकाला। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। इस वक्त हम अल्लाह के घर में मौजूद हैं और अपने दारुल उलूम के जो मरकज है उसकी एक जी मस्जिद है, उसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मस्जिद में इसलिए बैठा हूँ ताकि जो बात भी मैं करूँ तो इस ईमान और यकीन के साथ करूँ कि मेरा अल्लाह सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है और जानने वाला भी है। जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, मैं जो है आप जानते हैं कि मैं बाहर रहती हूँ, तो आपके बारे में तो हमने बहुत सुना है। आप बड़े एक लिबरल मुफ्ती साहब जाने जाते हैं और आपकी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज आजकल आ रही हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा, जो आपके मैंने बयानात सुने हैं, क्योंकि मैं औरतों के हकूक के लिए बहुत बातें करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि इस्लाम के मुताबिक औरतों के क्या हकूक हैं और क्या हकूक उनको अभी नहीं दिए जा रहे हैं। मोहतरमा, बात यह है कि देखिए, एक है ख्वातीन का और मर्दों का आपस में एक शरी हवाले से और कानूनी हवाले से आपस में बाहमी ताल्लुक, जिसको हम कहते हैं निकाह। निकाह का माना क्या है कि मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी के साथ अपने लिए मुस्तकबिल का फैसला करना। दूसरा है इसी रिश्ते को खत्म करने के लिए, जिसका नाम तलाक है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरे इस्लाम ने मर्द को सिर्फ एक इख्तियार दिया है जिसका नाम तलाक है, और ख्वातीन को दो इख्तियार दिए हैं जिसमें तनसीख भी है और खुलो भी है। तनसीख का माना यह है कि हमारे हजरत ने लिखा कि 13 असबाब हैं, वजूहात हैं, रीजंस हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर मोहतरमा अपने खावंद से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। और इसी तरह मर्द जो है वो 100% दुरुस्त है, यानी जिस्मानी तौर पर भी, नान और नफका की अदायगी के हवाले से भी, खवातीन की यानी बीवी की हुकूक की अदायगी के हवाले से। फिर भी मोहतरमा नहीं चाहती कि मैं इस ताल्लुक के निकाह को बाकी रखूं, तो मेरे इस्लाम ने उसे खुलो की एक ऐसा खूबसूरत इख्तियार दिया है कि जिसका माना यह है कि मेरा इस्लाम निकाह को ये नहीं समझता कि रस्से के साथ अल्लाह माफ फरमाए कि मोहतरमा को बांध दिया गया है और उसको कैदो बद के अंदर इस तरह डाल दिया गया है कि अब वो सारी जिंदगी अपने इसी खामन के साथ गुजारे। जहां अल्लाह ने निकाह को आसान किया है, वहां अल्लाह ने तलाक को यानी अलहदगी को, तनसीक को और खुलो को भी आसान कर दिया। फिर मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर मोहतरमा ये कहती है कि मेरी हवेली के अंदर मेरे ससुराल में से मेरी सास ना आए, मेरा ससुर ना आए, बाकी जो ताल्लुकात है मैं उनकी तरफ नहीं जाता, चलो जो अपना खामन की जो हमशीरगान है उनके बारे में कह दिया जाता है, तो मेरा इस्लाम ये कहता है कि मोहतरमा को हक हासिल है कि वो अपनी अलहदा हवेली के हवाले से जो मुतालबा भी खामन के साथ रखे, ये उसका शरई और कानूनी उसका हक है। इसी तरीके के अच्छा ऊपर मोहतरमा के ऊपर कोई लाजम नहीं है कि वो खामन को रोटी पका कर दे, उसके कपड़े धोए, उसके घर को झाड़ू दे। ये सारे तमाम मुआमलात जो है ये खावंद के जो होंगे वो लोग जो घर के अंदर खवातीन हो सकती हैं यानी मुलाजमात हो सकती हैं, या बैरूनी दुनिया के अंदर जनाब हो सकता है कि बैरूनी हवेली के अंदर जनाब मुलाजिम हो सकते हैं, औरत का खावंद के लिए खाना पकाना या उसके लिए कपड़ों के हवाले से उसके साथ तआमुन करना या उसके घर के हवाले से, क्योंकि घर की मालिका जो है, ये भी मैं बता दूं कि मेरा कुरान कहता है वस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकन्तुम, कि घर की मालिका जो है वो मोहतरमा है। अगर खुदा ना खास मोहतरम और मोहतरमे हमें कोई नाराजगी हो जाती है तो खामन जो है वो घर से बाहर जाएगा। आपको याद होगा कि मियाँ शाहबाज शरीफ साहब के जमाने में पंजाब के अंदर जो हुकूक निस्वा का कानून साजी हो रही थी, मैं अकेला मुफ्ती अब्दुल कवी था, फिर बात के अंदर पूरी उम्मत भी मेरे साथ थी और उलमा भी मेरे साथ थे। मैंने कहा कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है तो मेरा इस्लाम ये कहता है कि सैयदना अली जुल मुर्तजा मस्जिद में जाएंगे और बीबी फातिमा अपने घर में रहेगी, मेरे नबी रहमत बाला खाने में जाएंगे और सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा हफ्सा घर में रहेंगी। आज अगर हम ये कानून साजी करें पंजाब के अंदर कि मियाँ बीवी की लड़ाई और झगड़े की सूरत के अंदर खामन साहब बाहर जाए, खानकाह में जाएं, मस्जिद में जाएं, मदरसे में जाएं, तबलीगी जमात के साथ जाएं, किसी और जनाब अपने मकाम पे दोस्तों के साथ जाएं, घर के अंदर जो रहना है वो मोहतरमा ने रहना है। मोहतरमा को नहीं कहा जा सकता गेट आउट,
अच्छा तो मोहतरमा जब सॉरी मैं आपकी मौजूद बात थोड़ी सी काट रही मोहतर हूँ, क्योंकि आप तो ये बातें कर रहे हैं मगर मैंने खुद देखा है, मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था कि जब उन्होंने खुला लेने की कोशिश की तो जो मेरे बाप थे उन्होंने साफ मना कर दिया। तो औरत का कितना हक है कि वो कैसे खुला ले सकती है जब उसका मियाँ उसको बाहर ही ना निकलने दे या जाने ही ना दे या धमकियां दे कि नहीं अगर तुम गई तो मैं बच्चे अपने पास रख लूंगा या मैं तुमको कत्ल कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे माशरे में होता है पाकिस्तान में। तो उस हवाले से आप क्या मोहतरमा, कहेंगी? बात कहूं कि आप खवातीन के आप खवातीन अपने अंदर जुरत पैदा करें, हौसला पैदा करें। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लामी अदालत इंसान में जब खवातीन आती है तो मैं बच्ची के सर के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, बच्ची दलेर हो जा, कुरान तेरे साथ है, मेरे नबी रहमत का दीन तेरे साथ है, मुफ्ती अब्दुल कवी तेरे साथ है, थाना तेरे साथ है, कानून तेरे साथ है। कई बच्चे ऐसे आए कि उन्होंने कहा जी मेरे साथ ससुराल वालों ने तशद्दुद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी को यह एजाज हासिल है कि मैं अपनी कार पे बिठाकर उस बेटी को ससुराल के सपोर्ट करते हुए ये जुमला कहा, ये मुफ्ती अब्दुल कवी की बेटी है, आज के बाद अगर इसके ऊपर आप मैली निगाह डालेंगे तो फिर देख लेना आपके ऊपर अल्लाह भी नाराज होंगे, रसूलुल्लाह भी नाराज होंगे, कुरान भी नाराज होगा, पाकिस्तान का कानून भी नाराज होगा, मुफ्ती अब्दुल कवी भी नाराज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैकड़ों घरों को इस तरह आबाद किया है। मसला असल में ये होता है कि खवातीन अपने आप को कमजोर समझती है। मैंने हमेशा ये पैगाम दिया कि खवातीन अपने आप को कमजोर ना समझें, घर के अंदर खवातीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरह है, घर के अंदर खवातीन जो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की तरह रहे। माना यह है कि जब हम कानून के साथ, शरीयत के साथ, दीन के साथ अपने इल्म की बुनियाद पर जुड़ते हुए जो इकदाम उठाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि खामद ये कहे जी मैं बच्चे खेच लूंगा। आप खुद माशाल्लाह आलिमा होंगी, जानती होंगी कि इस्लाम मेरा ये कहता है कि मियां बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाए तो बच्चे माँ के पास रहेंगे, और जब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों से पूछा जाएगा कि माँ के साथ रहते हो या बाप के साथ रहते हो। छोटी उम्र के अंदर हर हालत के अंदर बच्चों ने माँ के साथ रहना है और उनका नानो नफका बाप ने अदा करना है। तो वो तो इसलिए मुफ्ती साहब आपके तो ख्यालात मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान में औरत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक तो आप जब औरत को घर के अंदर बंद करके बिठा देंगे तो उसके अंदर कैसी हिम्मत आएगी, क्योंकि आपको पता है, और आप भी मर्द भी बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलते हैं, आपके दो कांटेक्ट मिलते हैं, कुछ आप कम्युनिकेशन नेटवर्किंग करते हो तो आपकी हौसला अफजाई होती है। अगर हम घर में ही बंद करके औरतों को बिठा देंगे तो उनके अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी, वो हिम्मत कैसा कैसे पैदा करेंगी अपने अंदर? नहीं मोहतरमा, मुझे आप ये बताएं कि कुरान हकीम ने खवातीन के जहां मसाइल को बयान किया, उनके लिए हज के मसाइल भी बयान किए, उमरे के मसाइल भी बयान किए, हत्ता के महरम साथ ना हो तो खवातीन इकट्ठे जाके हज और उमरा भी कर सकती हैं। हुसूल तिजारत के हवाले से बड़ी उम्दा हदीस मुबारक मेरे निगाह में आ गई। हुजूर का फरमान है कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत के ऊपर फर्ज है। अब हर मुसलमान औरत के ऊपर फर्ज का माना यह है कि जब मोहतरमा डॉक्टर बनने के लिए जाएगी क्या घर से बाहर नहीं जाएगी? अच्छा, दूसरी हदीस मुबारक भी मेरी निगाह के सामने आ गई, उतलबुल इल्म वलो बिस्सीर, फरमाए मोहतरमा के ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है। अब मोहतरमा कहती है जी मैंने तो सनद जाके लेनी है चीन से। हुजूर का फरमान है कि इल्म को तलब करो अगर जो तुम्हें चीन का सफर भी करना पड़े, हालांकि उस जमाने में आप जानते हैं कि चीन की क्या हैसियत थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरे नबी रहमत को पता था कि एक जमाना आएगा कि चीन एक ऐसी बड़ी कुव्वत बनकर आएगा जिसके सामने यूरोप भी और जिसके सामने अमेरिका भी बेबस हो जाएंगे। आज हमारे पाकिस्तान से आपको मालूम है कि सैकड़ों की तादाद में खवातीन हजरात जा रहे हैं और जाके तालिब इल्म जो है वहां इल्म हासिल कर रहे हैं। ये घुटन जो है ना मोहतरमा माजरत के साथ, ये हमारी अपनी पैदा करता है, वगरना मेरा दीन, मेरा कुरान, मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत तो मोहतरमा के साथ खड़ी है। इसलिए मोहतरमा अपने आप को कमजोर ना समझे। ये तो आप कहते हैं ना, मगर जो बाकी मैं मुफ्तियों को या मौलवियों को सुनती हूँ तो वो तो कहते हैं कि बस औरत को जो है कोई, यानी उनके हिसाब से औरत के इतनी हकूक नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मर्द को जैसे कहा जाता है कि चार शादियों की इजाजत है, और मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी तो उस जमाने में, अगर इसका आप जवाब देते हैं ना कि औरत को इस वजह से इजाजत नहीं है कि पता नहीं चलता कि बच्चा किसका है, राइट? अगर हम मैं चार शादियां कर लूं तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है,
मगर आज के जमाने में जहाँ हम डीएनए चेक कर सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, यानी औरत भी चार शादी कर सकती है कि नहीं? क्योंकि आजकल तो साइंस ने तरक्की कर ली है, अब हमको पता चल सकता है कि बच्चा किसका है, पहले जमाने में नहीं था। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोहतरमा, बात यह है कि आप जो मुझसे सवाल कर रही है ना, ये अपने दिल से पूछ के, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस वक्त मुफ्ती हैं, आप जवाब दें। मेरे नबी रहमत की साहबजादी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदना अली अल मुर्तज़ा उनके खामन का नाम है, मैं हमेशा अदब में रहते हुए ऐसी गुफ्तगू करता हूँ कि ताकि किसी मसलक के आलिम और मुफ्ती की उंगली मेरे ऊपर ना उठ सके। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के ऊपर सोकल लाने के लिए सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अभी सिर्फ इरादा किया, मेरे नबी रहमत घर में आए। आप तवज्जो करें मोहतरमा, तीन शादी कोई या दो शादियों की या चार शादियों की बात नहीं है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा दूसरी शादी करने का इरादा रखते हैं, मेरे नबी रहमत घर में तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जो इससे प्यार करेगा वो समझे कि मैं मोहम्मद से प्यार करेगा, जो मेरी बच्ची का दिल दुखाएगा वो यूं समझे कि उसने मोहम्मद का दिल दुखाया, अल्लाह का दिल दुखाया। मैं हमेशा ये बात जुरत से कहता हूं कि किसी खामन को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती शरीयत के मुताबिक कि वो दूसरी शादी करे अपनी पहली बीवी को एतिमाद में लिए बगैर। ये जुमला याद रखें, मेरा मौली बेचारा आके वहां परेशान हो जाता है कि इजाजत की क्या जरूरत है, मैं उनसे हाथ बांध के कहता हूँ चलो इजाजत को हम उठा देते हैं, एतिमाद की जरूरत है। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा पे सौकल लानी है तो सैयदना अली को एतिमाद में लाना होगा। मेरे नबी रहमत ने सैयदा खदीजा जब तक जिंदा रही सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। आज के जमाने में अगर किसी खावंद का ये इरादा हो कि जी मैं दूसरी शादी कर लूं, तीसरी शादी कर लूं, चौथी शादी कर लूं, वो समझे कि वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे नबी रहमत ने, और ये जुमला मैं बड़ी जुरत के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा मेरे नबी रहमत की साहबजादी नहीं है, हर ईमान वाली बच्ची और हर ईमान वाला मोहतरम मेरे नबी रहमत की औलाद की तरह है। हुजूर ने खुद फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए बाप के दर्जे के अंदर हूँ। आज मुफ्ती अब्दुल कवी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो खावन शादीशुदा हैं उन्हें कतई तौर के ऊपर दूसरी की शादी की उस वक्त तक इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक के वो पहली मोहतरमा के एतिमाद में ना ले, पहली शर्त। और दूसरा नंबर ये है कि वो ये ना बताए कि मेरी पहली वाली जो बीवी है उनके मामलात में कुछ सेहत का मसला है, कोई उनकी जवानी के सूरत हाल के मसाइल है, या उनकी तरफ से कोई अखलाक और मोहब्बत और प्यार जो मिलना चाहिए वो उनकी तरफ से नहीं है, ये मजबूरी है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, उसके बाद काजी और मुफ्ती जो है वो इजाजत देगा कि इस मोहतरम को कि तुम निकाह कर सकते हो, तुम शादी कर सकते हो। अच्छा, तो अगर यही प्रॉब्लम जैसे आपने कहा कि यही प्रॉब्लम अगर एक औरत को हो रही है अपने शोहर से, अगर वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है या मेडिकल कोई इश्यू हो गए हैं और यू नो वो यानी पूरी क्या कहते हैं, क्योंकि ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते हैं, तो फिर औरत को क्या करना चाहिए? खुला लें या औरत, यानी मैं वही आपसे बात कर रही हूँ ना कि पहले जमाने में तो हमको नहीं पता था कि बच्चा किसका है, क्या एक औरत बगैर उसको छोड़ के दूसरी शादी कर सकती है? मोहतरमा, आपने इतना उम्दा सवाल किया है कि मेरा इस पर रिसाला भी आ रहा है और आपके प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर जाएगा। मुफ्ती अब्दुल कवी बहसियत तालिबे इल्म के, क्योंकि अहले इल्म भी आपका प्रोग्राम सुनेंगे, इसलिए उनके लिए भी मैं इशारा दे सकता हूँ। अल्लाह का कुरान कह रहा है युग़लून मिन निसाइहिम तरब्बुस अशहर, सैयदना फारूक आजम ने अपनी साहबजादी सैयदा हफ्सा से सलामुल्लाह अलैहा से जब पूछा खवातीन के बारे में, मैं तफसील में नहीं जाता, इन अहादीस को सामने रखते हुए और उस कुरानी आयत को सामने रखते हुए मुफ्ती अब्दुल कवी का रिसाला आ रहा है कि जो मर्द, जो खामन चार महीने तक अपनी बीवी का नानो नफका अदा नहीं करता, उसके भूख को अदा नहीं करता, चार महीने गुजरने के बाद मोहतरमा को हक हासिल है कि वो तनसीक के जरिए अपने आप को खामन से अलग कर ले। और खामन के लिए क्या हुक्म है कि हर हालत में उसको खवातीन की जो हक के तनसीक है उसकी तायीद करनी होगी, लेकिन अगर खुदा न खासा खामत जिद है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मेरे दीन ने मुफ्ती अब्दुल कवी को और साहिब फतवा को और जो लोग बैठे हुए इस वक्त बहसियत मुसलमान काजी और जज के अदालतों के अंदर
उनको इख्तियार दिया है कि खामन को कहे गेट आउट, और अपनी तरफ से मोहतरमा को हक के तनसीख देकर मोहतरमा को अपने खामन के चंदा से अदा करें। बात यह है कि ये वो मसाइल हैं जिनको इंसानियत तक पहुंचना है। इसी तरह खुलो ये है कि 4 महीने जो है वो अगर चली गुजरे, लेकिन मोहतरमा कहती है जी मैं इंतजार नहीं रहना चाहती। बहुत सारी अहादीस मेरे इस वक्त में वक्त मुख्तसर है। बीबी साहब ने कहा मैं नहीं रहना चाहती, हुजूर ने बुलाई जरा खामन को बुलाया, अल्लाह अकबर, एक हदीस मुबारक निकाह के सामने आ गई, एक बीबी मोहतरमा हासिल हुई, उन्होंने कहा मैं ये चाहती हूँ, हुजूर ने फरमाया जो कुछ तू चाहती है मैं मोहम्मद भी वही कुछ चाहता हूँ। बात यह है कि आप खवातीन सबर से हौसले से, लेकिन अगर आप समझती हैं कि आपके हुकूक के ऊपर ये खामन डाकू बन के डाका डाल रहा है, तो कुरान आपके साथ है, सुन्नत आपके साथ है, अदालत आपके साथ है, शरीयत आपके साथ है। अच्छा, मेरा आपका सवाल ये था कि अभी जो सऊदी प्रिंस ने जो कहा है कि वो जो है 90% हदीसों को नहीं मानते हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें तो पता है कि हदीसों में नमाज, रोजा, इन सब का तरीका हदीसों से आता है, तो आपका इसके बारे में क्या बयान है? मोहतरमा, बात यह है कि न किसी प्रेस को इजाजत है न किसी आलिम को। मेरा जो दीन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल के तसलसल का नाम है। आप यूं कह सकते हैं कि हदीस की बजाय उसका नाम रख दें रिवायात। अच्छा, रिवायात के अंदर जो अहले तशय्यो की रिवायात है, अहले सुन्नत की रिवायात है, क्योंकि हदीस के बारे में हम अहले सुन्नत का नुक्ता नजर पहले दिन से ये है कि अहादीस का हुक्म ये है कि जिस तरह जन यानी ख्याल गुमान कि हुजूर का ये फरमान हो भी सकता है और ये भी मुमकिन है कि हुजूर का फरमान न हो, इसलिए उसका मेयार ये है कि दिरायत के हवाले से, हिकमत के हवाले से जो अहादीस मुकद्दसा कुरानी आयात के मुताबिक हैं और जो आयात मुकद्दसा और अक्ल सलीम के मुताबिक हैं, जो नबी रहमत का वो तसलसल वाला दीन जो 1500 साल गुजरने के बाद अलहम्द से लेके वन्नास तक आज तक हम में मौजूद है, इसी तरह वो नमाज के अवकात और वो नमाज का तरीका और वो अजान के कलिमात जो तसलसल के साथ हमारे अंदर मौजूद है, उन अहादीस को यकीनन हम कबूल करेंगे क्योंकि वो सुन्नत के दर्जे में है, वो कुरान की ताबीर का नाम है, कुरान की तशरीह का नाम है, कुरान के अंदर जो हुक्म मौजूद है उसकी मजीद वजाहत का नाम है। लेकिन ऐसी रिवायात, मैं इसलिए अहादीस नहीं कह रहा बड़े अदब की वजह से, वो रिवायात जो हमारी कुतुब में मौजूद है, अहले तशय्यो की कुतुब में मौजूद है, और वो हम समझते हैं कि आज के दौर में साइंस के मुताबिक भी नहीं, अक्ल सलीम के मुताबिक भी नहीं, कुरानी आयात से भी उनकी ताईद नहीं होती, अगर उसके अच्छा, बारे में काम किया जाए अच्छा, तो यकीनन ये बहुत बड़ी खिदमत होगी और उसको मैं कबूल करता हूँ। मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस अब करूंगी क्योंकि जरा टाइम थोड़ा सा कम है। तो अच्छा, तो आप कहते हैं कि आप उसको नहीं मानते, मगर जो इस्लाम की शुरुआत हुई थी वो तो हुई उस एरिया सऊदी अरब से थी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मैं जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि सूरह निसा में जो ये लिखा है, जहाँ पे आयत नंबर 34 में जो बीवी की पिटाई के बारे में लिखा है कि आप बीवी को पीट सकते हो या मार सकते हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोहतरमा, बात यह है कि जिस आयत मुकद्दसा की तरफ आपने इशारा किया, मैं जो हाफिज़ कुरान हूँ, फरमाया फाएज़ूहुन्ना, सबसे पहले यह है कि मोहतरमा को एतिमाद में लो, बात करो, नसीहत करो, समझाने की उसको कोशिश करो। उसके बाद इसके बावजूद भी मोहतरमा उस बात को नहीं समझ रही तो वाहजुरूहुन्ना फिल मदाज, फिर यह है कि तुम खुद उन ख्वातीन से अलहदा हो जाओ, अपनी बीवी से अलहदा हो जाए, होके अपना बेडरूम आप अपनी मसरूफियात में हो जाए, मोहतरमा अपने मसरूफियात में रहे, बच्चों के साथ माँ रहेगी, मोहतरमा जनाब वही घर के निजाम को चलाएगी, घर के अंदर वही रहेगी, बच्चों के साथ वही रहेगी, तुम उससे अलहदा हो जाओ। फिर फरमाया कि अगर इसके बावजूद भी मोहतरमा को खामंद के हुकूक के हवाले से या उसकी खुशी के हवाले से कोई चीज उसके जहन में नहीं आ रही, तो वद्रिबूहुन्ना, जिसका तर्जमा आपने मार कर किया है, लफ्ज ज़र्ब जो है ये बड़ी वुसअत के माने है, इसका माना ये होता है कि हर वो अदा जो आप इख्तियार कर सकते हैं अपने आप को बहैसियत एक घर के बड़े होने के, अपना जो फैसला सुना सकते हैं, इस्लाम उसको ज़र्ब के अंदाज से ताबीर कर सकता है। कुरान ये कहता है कि जिस वक्त मोहतरमा न वाज़ो नसीहत को माने, न एतिमाद में आए, घर कोई मंदिर मौजूद होने के बावजूद, बच्चों में मौजूद होने के बावजूद, खामद बेचारे के अलहदा हो जाने के बावजूद भी इन तमाम मस्जिद को वो नहीं सुनती, तो
तो अब वो अपनी तरफ से कोई फैसला सादर कर सकता है। वज़्रिबुन्ना का माना यह है कि वो फैसला सरजद कर सकता है, और वो फैसला ये भी हो सकता है कि मोहतरमा को कह दे कि आप मुझसे तनसीख ले लो, या वो ये कह दे जी आप खुलो ले लो, या ये कह दे मैं उनको आपको तलाक दे देता हूँ, और ये भी कह सकता है कि जी आज के बाद आप अलहदा बच्चों के साथ, मैं अलहदा। हाँ, अगर कोई चीज समझाने के लिए आप अपने आप को ये समझे कि मुझे घर का बड़ा होने के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो ये भी वज़्रिबुन्ना का माना मौजूद है। ये नहीं है माना कि जिस तरह हम किसी जानवर को मारते हैं या किसी तरीके के ऊपर जाके हम जनाब कुछ तरह के जर्ब का मामला करते हैं, इसका ये माना कतई तौर पर नहीं है। इस्लाम तो बड़े प्यार का दीन है, क्योंकि मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वही है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है, फिर मुस्कुरा के फरमाया कि मैं खदीजा के लिए भी बेहतर खामन हूँ, हमसा के लिए भी बेहतर खामन हूँ। तो आप कह रहे हैं कि इसमें मारने का हुक्म नहीं। अच्छा, वही हरकत अगर मर्द कर रहा हो तो क्या औरत को हक है कि वो भी उस पे हाथ उठा सके? क्योंकि मैं ये, मेरा ये पूछना है कि आजकल की दुनिया में जहां पर जिंस यानी इस तरीके से हाथ उठाने को बहुत बुरा अब्यूज कहा जाता है, और इस आयत की वजह से बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी औरतों को पीटे चले आ रहे हैं, तो आप किस तरह से क्लैरिफाई करोगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में औरत को मारना सही है? लाइक मेरे ख्याल से तो बस छोड़ देना चाहिए, मारने तक नहीं जाना चाहिए, मगर क्योंकि लिखा है तो हमें मर्द दिखाते हैं कि देखो औरत पे फजीलत हासिल है मर्द को, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो औरत क्या करे? औरत भी मारे अपने हस्बैंड को अगर वो नहीं कर रहा है काम सही से, तो औरत भी मार सकती है इसी तरीके से? मोहतरमा, बात यह है कि इस्लाम अदल का दीन है। कुरान मजीद की कितनी आयात है जिनके अंदर लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा कसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा कसब, इसी तरह इन्नल मोमिनीन वल मोमिनात, हर जगह के ऊपर अल्लाह के कुरान ने ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें उनके लिए जो अहकाम बयान किए हैं, वह इन खिफ तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, कितनी बड़ी आयत है। फरमाया कि अगर तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते फिर सिर्फ एक बीवी के साथ शादी करके निकाह करके रहो। बात असल में यह है कि हमारे यहाँ जो मारकुटाई का मसला है ना, उसकी वजह अल्लाह माफ फरमाए कुरान की आयत नहीं है, वो हमारे बरे सगीर की एक खास मुआशरत है। लेकिन अब आप खुद देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से ख्वातीन तालीम याफ्ता है, मर्द भी तालीम की तरफ जा रहे हैं, और मैं बड़ी जुरत के साथ ये बात कहूंगा, खामंद अगर हाथ उठाए उसी जुरत के साथ औरत का अपने खामंद को हाथ रोकना, यही इस्लाम की तालीम है। और अगर हाथ उठाने के बावजूद, मारने के बावजूद वो दूसरी दफा फिर हमला आवर होता है, तो इंसाफ और अदल ये इस्लाम का बेहतरीन खुलासा है। इसलिए मोहतरमा भी उसी अंदाज के मुताबिक, आपके सामने वो हदीस नहीं है कि अगर किसी शख्स ने अपने गुलाम को मारा तो हुजूर ने फरमाया कि उसी तरह गुलाम को, कि तुम भी उसी तरह हाथ उठाओ अपने मालिक के ऊपर। यहाँ तो मालिक और गुलाम की बात तो नहीं है, यहाँ तो बराबरी की बात है। इसलिए औरत को भी इजाजत दी जा सकती है कि अगर खामन ने हाथ उठाया है, दूसरी दफा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, उसके जवाब के अंदर औरत भी खामन पे हाथ उठा सकती है अगर हाथ उठाएगी। शरीयत के हवाले से, कानून के हवाले से कोई ऐसा कानून नहीं है कि कहा जाए कि औरत जो है वो मुजरिम है और उसके लिए फुला सजा है। अच्छा, आपने अभी गुलामों की बात की, तो इस्लाम में हम देखते हैं कि पुराने जमाने में लौंडियां रखने की रिवायत रही है, और लौंडियों को रखा भी है, और बहुत सारी आप देख सकते हैं कि जब माले गनीमत में औरतें आती थी तो उनको बंटवारा किया जाता था उनका, और उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मोहतरमा, आपने वो उम्दा सवाल किया है कि जब मैं 92 के अंदर पहली दफा फ्रांस और जर्मनी का दौरा कर रहा था, तो वहां इसी तरह का मेरे से सवाल हुआ। मैंने उनको मुस्कुराते हुए ये बात कही थी, यूरोप का सफर किया, फ्रांस और जर्मनी के अंदर मुझसे इंटरव्यू लिया गया, मैंने उनको बड़ी जुरत के साथ कहा कि ये बताइए कि गुलामों के जो मसाइल हैं, गुलामों का जो निज़ाम है, वो मेरे नबी रहमत ने दिया है या सल्तनत रूमा ने दिया है जब उसने फारस पर हमला किया है, या फारस ने जिस वक्त सल्तनत रूमा पर हमला किया है। अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम फी अदनल अर्द, मेरे नबी रहमत के इस निजाम के आने से पहले ये वो निजाम था जो सल्तनत रूमा ने दिया, अहले फारस ने दिया। मेरे नबी रहमत ने तो उस निजाम को खत्म करने के लिए ये कहा कि झूठी कसम उठा ली तो गुलाम आजाद कर दो, मियां बीवी के फुला मसाइल है तो गुलाम को आजाद कर दो, कत्ल के मामलात हैं
गुलाम को आजाद कर दो। मगर मुफ्ती साहब जो मामलात हैं उसके अंदर जनाब गुलाम को आजाद करो। और फिर मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि जो गुलामों को आजाद करता है उसके लिए ये अजर, उसके लिए ये अजर। बड़ी जुरत के साथ मैं ये बात आपको कह रहा हूँ मोहतरमा और आपके तवज्जो से सुनने वालों को कि गुलामी का निजाम मेरे नबी रहमत ने नहीं दिया, इस्लाम ने नहीं दिया, कुरान ने नहीं दिया। गुलामी का निजाम सल्तनत रूम ने दिया है और उस जमाने के अंदर जो फारस की सल्तनत थी उसने दिया है। उन्होंने हमला किया, रूम वाले मकलूब हुए, उन्होंने जनाब बांधी और उनको गुलाम बना लिया। फिर रूम वाले गालिब हुए, उन्होंने फारस वालों को गुलाम और बांधी बनाया। आप तारीख इंसानी में पढ़ के देखें कि मेरे नबी रहमत के ऐलान नबूवत से पहले किस कदर रूम वालों ने फारस के साथ। मौलवी साहब उस जमाने में ये होता था मगर ये चीज फिर खत्म नहीं हुई। अगर आप अभी भी देखें तो यमन और लीबिया में अभी तक जो है स्लेवरी चल रही है, अभी तक गुलाम रखे जाते हैं। खैर मैं आगे पढ़ती हूँ, आगे का मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल जो ये मदरसों से ये वीडियोस निकल के आ रहे हैं हमारे उलमाओं के, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाजा था मगर अब छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है और उसके हिसाब से जैसे इमरान खान ने कहा कि लड़कियों को कपड़े छोटे नहीं पहनने चाहिए, इस वजह से मर्द जो है टेम्प्टेड होता है, तो क्या अब बच्चों को हम क्या पहनाएंगे? बच्चे तो पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उनके साथ क्यों ज्यादतियां हो रही हैं, वो भी मदरसों में अल्लाह के घर में? मोहतरमा बात यह है कि जब पहले हमारे लाहौर के एक मौलवी साहब का मामला आया तो उनके नाम के साथ मुफ्ती भी है, अल्लाह तबारक व तआला हम अहले फतवा की हिफाजत फरमाए। बहरहाल हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं और दूसरे नंबर पे यह है कि हम मासूम भी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अहले फतवा का एक एहतराम है। यकीन फरमाए कि जब पहली दफ़ा मैंने आंखों से नहीं देखा, किसी मेरे मुक्तदी ने मुझे बताया, जब मदरसे का नाम लिया तो वो मदरसे के साथ चूँकि मेरा खासा ताल्लुक रहा है, तो फिर मौली साहब का जब नाम लिया तो यकीन फरमाए कि मेरे अंदर इतनी सख्त नहीं रही कि मैं नमाज इशा की इमामत करा सकूं। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, कई दफ़ा इन्ना लिल्लाह पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, उन्होंने नमाज इशा की इमामत की। मैं बिल्कुल जो कानून मेरे इस्लाम ने, मेरी फिका ने, मेरी शरीयत ने दिया है, खा वो आम आदमी करे खा अहल फतवा करें, बल्कि मैं तो जुरत करके ये कहूंगा कि अहल फतवा को उससे कई गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए हो चाहिए, क्योंकि वो आलिम भी है, उनका एक मकाम भी है, उनका एक मनसब भी है, उनका ओहदा भी है। लेकिन इस हकीकत की तरफ भी जाए कि ये मतलब मामला सिर्फ मदरसे का नहीं है, मैं तो खुद पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, यही मामला स्कूल में भी है, यही मामला हमारी पुलिस की निचली सतह में भी है, यही मामला हमारी फौज की निचली सतह में भी है। ये हैवानियत और ये बहीमियत सिर्फ इसी वजह से है, मैं जुरत के साथ कह रहा हूँ कि जब हमारे मुआशरे के अंदर निकाह को मुश्किल बनाया जाएगा, कहा जाएगा कि जनाब जो आदमी दूसरी शादी करे उसके लिए इतने कैद बामुशक्कत, इतना जुर्माना, मुसालाती कौंसिल में जाए, वहां से NOC ले। मुफ्ती अब्दुल कबीर ये बात कह रहा है कि निकाह को आप आसान कर दें, हमारे निचले तबके की फौज भी महफूज हो जाएगी, निचले तबके की पुलिस महफूज हो जाएगी, स्कूल भी महफूज हो जाएंगे, कॉलेज भी महफूज हो जाएंगे, उसी तरह मदारिस भी महफूज हो जाएंगे। अच्छा, तो आपसे मुझे ये पूछना था कि अभी जो मलाला ने एक बात कही थी कि अगर दो लोग साथ में रहना चाहते हैं बगैर निकाह के, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मलाला के स्टेटमेंट पे आपका क्या बयान है? मलाला की जो बात आई ना जब मुझ तक पहुंची तो मैंने कहा कि वो ऐसी हिमाकत वाली बात कर रही है और ऐसी मजा का खेल बात कर रही है। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी के साथ रहना, इसी का नाम तो निकाह है। यानी अजीब सी बात है, मैं MBBS भी बन रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जी मैं डॉक्टर नहीं बन रहा, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जी मैं MBBS नहीं कर रहा। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी के साथ रहना, इसी का नाम तो निकाह है। मोहतरमा कह रही है कि जनाब वो अपना रजामंदी से रहे और निकाह की जरूरत नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी के साथ जिंदगी गुजारने का नाम ही निकाह है। तो बहरहाल उस बच्ची ने जो बात की है वो मजीद इस्लाम को भी पढ़े, कानून को भी पढ़े, दुनिया के कवानीन को भी पढ़े, इस्लामी कवानीन को भी पढ़े, तो वो समझेगी कि निकाह है इसी चीज का नाम कि जो बिल ईजाब वल कबूल, यानी मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी के साथ जिंदगी गुजारने का नाम ही निकाह है।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, रजामंदी आपने बोली है, तो अभी जो आप जो हैं एक बहुत ही लिबरल मुफ्ती साहब हैं, और मैंने देखा है कि आप पे बहुत अटैक होता है, आप किस तरह सरवाइव करते हैं, आप किस तरह फेस करते हैं, इतने हेटर्स आपके, और हर कोई आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी कंट्रोवर्सी में बनाए ही रखता है, जैसे हरीम शाह हो गई, पहले कंदील बलोच थी, तो आप किस तरह से अपने आप को बचाते हैं इन चीजों से? मोहतरमा, मैं बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंसानियत मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ है। अहालियान पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ है। ख्वातीन और हजरात मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ है। मुफ्ती अब्दुल कवी जिस महफिल में जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मनसब वाले, ओहदे वाले, इख्तदार वाले भी वहां मौजूद हो तो लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे साथ होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से पहले जब उमरे के लिए गया, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि लोग तवाफ को छोड़कर कि मुफ्ती साहब हम फ्रांस से आए हैं, हम जर्मनी से आए हैं, हम बेल्जियम से आए हैं, हम कनाडा से आए हैं, आपके साथ हमने तस्वीर बनानी है। मदीना तय्यबा में जब मैं होता था तो पिछले कदमों में पीछे हटते हटते बिल्कुल आखिर में जाके बैठता था, क्योंकि मेरे यहाँ लोगों का एक मेला हो जाता था। पिछले दिनों के अंदर जब मैं आज का इंटरव्यू दे रहा हूँ, इससे पहले मैं इस्लामाबाद से आज सुबह को ही आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरी की तरफ गया, लोगों की वही मोहब्बतें। बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी से प्यार लोगों का इसलिए है कि मैंने सही दीन की बात की है, फिका की बात की है, फिरके की बात नहीं की, दीन की बात की है, शरीयत की बात की है। आखिर में मैं ये जुमला कह रहा हूं कि मेरा दीन हकीकत का दीन है, मेरा दीन हिकमत का दीन है, मेरा दीन जुरत का दीन है, मेरा दीन अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलूम में और जितनी सियासी तरक्की में जाएंगे हकायक वही होंगे जो 1500 साल पहले मेरे नबी रहमत कुरान की सूरत में और सुन्नत की सूरत में और अहादीस की सूरत में अता फरमा कर गए हैं। मुफ्ती साहब, मैं तो चाहूंगी कि बहुत बाकी भी जो आलम दीन है वो भी आपको फॉलो करें, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत लिबरल है और अच्छी है, हमें तो यही लग रहा है कि आप जो है आपको और यू नो अटेंशन मिलनी चाहिए, आपको लोग और देखें। अच्छा, जो ये लास्ट में पूछना चाहूंगी, अभी ये जो ये कॉन्ट्रोवर्सी आपकी वीडियो आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा है कि ये फेक बनाई है किसी ने वीडियो। मोहतरमा, मैंने आगाज में भी कहा था कि मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है, और ये हकीकत भी है कि मेरा अल्लाह सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है, जानने वाला भी है। आपकी इंग्लैंड की 2 यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बात आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, मेरे पास मोबाइल के अंदर मौजूद है। मैं तो 6 माह से ये छोटा टेलीफोन ऑडियो वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा टेलीफोन नहीं है जिस पर वीडियो बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के ख्वाहिश के मुताबिक मस्जिद में हूँ, मदरसे में हूँ, घर में हूँ। 51 दिन तक तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं खलबत नशीन रहा, लेकिन चूंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, 51 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाए फिकही मसाइल आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कह रहा हूँ, मुफ्तियान किराम को मुतवज्जे कर रहा हूँ, अहले इल्म को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि मैं तलाक जबान से नहीं देता, तहरीर करके नहीं देता, सिर्फ उंगली के साथ मैसेज करते हुए TALAK TALAQ, उसके बाद लिखने के बाद जबान से मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने तलाक नहीं दी, बोलकर भी मैंने तलाक नहीं दी, जबान से भी मैंने तलाक नहीं दी, सिर्फ ये उंगलियों को घुमाया है। क्या इस मैसेज के जरिए तलाक होगी? अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसाला इन दिनों के अंदर मैं मुकम्मल करके उसको उम्मत के सामने पेश कर रहा हूँ, और उसका खुलासा ये है कि इस तरह की तलाक वाकई नहीं होती। इसी तरह बाकी मसाइल जो आप लोग अहले यूरोप में और जो नाम अपना कनाडा के अंदर और बैरूनी दुनिया के अंदर आप हजरात जो हमारे यहाँ रहते हैं, वहाँ दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आप रहते हैं, आपके लिए क्या अहकाम है, उन पर मैं तहकीक कर रहा हूँ। दरमियान में एक ऐसी किस्म की वीडियो जिसको मैं भी अगर देखूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाए, मेरे बच्चे देखें तो वो भी बेचारे घबरा जाए, उनके आंखों में भी आंसू आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सारी लोगों ने पहले तो 2 वजह से उसे मुस्तरद किया, पहले इस वजह से मुस्तरद किया कि मुफ्ती अब्दुल कवी तो आजकल वीडियो पे आ ही नहीं रहे। मुफ्ती अब्दुल कवी, अब आपका बच्चा ये टेलीफोन लेकर आए, मेरे पास तो ये टेलीफोन की सहूलत ही नहीं थी। जब मेरे पास ऐसा जो है वो मोबाइल फोन ही नहीं है जिस पर वीडियो बन सके, फिर उसके बाद ये रमजान मुबारक के प्रोग्राम हुए तो मैं स्टूडियो में गया, इस तरह के जनाब आलात वो लेकर आए। 6 महीने से मुझे
ऐसे फोन की सहूलत ही नहीं उस दौरान। फिर कहा गया जी ये 3 साल पुरानी है, कभी कहा गया जी 4 साल पुरानी है, कभी कहा गया जी 2014 की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामाबाद की टीम ने जब उस पर गौर व फिक्र किया, इस तरह इंग्लैंड के अंदर रहने वाले वो खुश नसीब नौजवान तोलबा जो इस फराजे के साथ वाबस्ता है, हालांकि वो सिर्फ मेरा नाम जानते हैं और मेरा जरा मोहब्बत करते हैं, मुझे तफसीली तौर पर नहीं जानते और मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने मुझे जनाब कहा कि ये फराजिक रिपोर्ट है और आप भी फेसबुक पे देख सकती है कि जनाब फराजिक रिपोर्ट मौजूद है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, कल और मजीद फराजिक रिपोर्ट भी इस पर आ रही है ताजा तरीन। और इसी तरह जब हम साइबर के पास गए, FIA में गए, तो इस वक्त मेरे पास फाइल नहीं है, मैं आपको दिखाता, उन्होंने उस सरगने को पकड़ लिया है जिस बदनसीब ने इस तरह के भयानक शक्ल सूरत वाली वीडियो को वायरल किया है। और फिर जिस्मानी तौर पर भी जिस तरह दिखाया गया, मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ, इस कदर वो ऐसा शख्स जिसका अल्लाह माफ फरमाए कि मैं कह सकता हूँ कि नाराजगी की वजह से उस बेचारी की पार्टी उसकी अपनी नहीं नजर आ रही। तो बहरहाल ये बिल्कुल बेअसल है, बिल्कुल मनगढ़ंत है, बिल्कुल जाली है, बिल्कुल फर्जी है। और इन हकायक की बुनियाद पर कि हम 6 महीने से खलबत में है, ये हमारा जिस्म नहीं है, तीसरे नंबर के ऊपर मेरे पास मोबाइल फोन ऐसा मौजूद नहीं है जिसके ऊपर जरा मैं वीडियो बना सकूं, ये सारे वो हकायक है। फिर 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ गई, साइबर वालों की रिपोर्ट भी आ गई, वो सरगना पकड़ा भी गया, उसका नाम भी हमारे साथ आ गया, उसके घर से तमाम आलात को भी साइबर वालों ने उठा लिया है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम देखने वालों को खुशखबरी सुनाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सुरखरू किया है। जो चीज सही थी किसी मौलवी की, वो फरांसिक से भी पता चल गया सही है, फिर उन्होंने जब इकरार कर लिया तो पता चल गया दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस तूफान बदतमीजी में कि जब फुला फिरके वाला भी, फुला फिरके वाला भी, फुला फिरके वाला भी, फुला फिरके वाला भी, और मुझे भी उसमें डालने की नाकाम कोशिश की गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, हमने नवाफिल शुक्राना अदा किया है। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी कहता हूँ कि जो ख्वातीन हजरात कनाडा के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मुझसे मोहब्बत करते हैं वो भी नवाफिल शुक्राना अदा करें। हाँ नहीं, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसी यानी औरत होने के नाते मैं कभी नहीं चाहती किसी की कोई फेक चीज पहुंचे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमको वो फोरेंसिक का जो रिपोर्ट है आपकी वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तो जब हम ये प्रोग्राम डालें तो हम वो बात क्लियर कर दें कि वो आपकी नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि उस पर आपकी शक्ल लगाई गई है और जो जिस्म है वो किसी और मर्द का है। मोहतरमा फराजिक रिपोर्ट, तो फराजिक रिपोर्ट का खुलासा तो ये है कि एक छोटे छोटे जनाब जिस्म के कई हिस्सों को मिलाकर ये जनाब अपना वीडियो बनाई गई है। मैं कोशिश करता हूँ, आपका टेलीफोन नंबर अगर मौजूद हो तो मैं अपने बच्चे किसी को कह दूंगा कि वो आपके उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। और जब आप तक पहुँचेगी आप अपने इस प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को आखिर के अंदर सलाम पेश करता हूँ और उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस्लाम को समझें, कुरान को समझें, सुन्नत को समझें। किसी मौलवी साहब की वजह से या उसके फिरके की वजह से, वो फिरके वाला दीन तो हो सकता है, मौलवी साहब का दीन तो हो सकता है, दीन इस्लाम वही है जो इल्म का दीन है, हिकमत का दीन है, जुरत का दीन है, हकीकत का दीन है। मौलवी साहब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके वाकई में जो ख्याल आते हैं वो हर किसी से इतने डिफरेंट हैं। मैं तो दुआ करती हूँ कि बाकी उल्मा को भी आपसे सीखना चाहिए कि थोड़ा बहुत लिबरल होना चाहिए आजकल के ज़माने में, और इस तरीके से जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में स्पेशली जो मदरसों में हो रही हैं उनको बंद करना चाहिए। तो मौलवी साहब अभी कोई और तो वीडियो नहीं आने वाली है, यानी आप किसी भी अब और खातून के साथ या कुछ भी? अच्छा नहीं, मुझे आपसे ये पूछना था, आपने एक आपके ऊपर एक बोला था कि शराब जो है वो आप पी सकते हैं, ये कोई मैंने स्टेटमेंट सुनी थी, ये करेक्ट है? मोहतरमा बात ये है कि मैंने ये कहा था कि जिस वक्त सऊदी अरब के अंदर, जिसका आपने इशारा भी किया वहां के प्रेस का, उनके जमाने में जो आजकल उनका जोर चल रहा है, तो मुझे मुख्तलिफ लोगों के जो पाकिस्तानीज और इंडियन जो है वो सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने कहा जी अब हम जब दुकानों पे जाते हैं तो बहुत सारे मशरूबात में लिखा होता है अल हलाल अल हलाल अल हलाल। तो मैंने उनको कहा मैं इसकी रिसर्च कर लेता हूँ। फिर मैं चूंकि एक तहकीकी आदमी हूँ तो मैंने रिसर्च किया, तो पता ये चला जो असल जुमला था वो ये था,
कि मिस्र, मराकश और कतर के कुछ उलमा ने ये कहा है कि अल्कोहल अगर 40 या उससे फीसद से कम हो तो वो मशरूब हलाल है और इससे ज्यादा हो, ये उनका फतवा था, उनकी राय थी। मैं कतई तौर पर उनकी इस बात को मुस्तरद करता हूँ। हर वो चीज जो इंसान के अकल के ऊपर खुमार की कैफियत पैदा करे, चाहे वो तंबाकू वाला पान हो, चाहे जिस तरह का वो मशरूब हो, वो शरीयत के अंदर और इल्म के मुताबिक, हिकमत के मुताबिक, यकीन के मुताबिक वो हराम है, हराम है, हराम है। अच्छा, मगर जब आपका मैंने हरीम शाह के साथ एक इंटरव्यू देखा था तो आपने वहां कहा था कि आपको रेड वाइन की तरह, आपने कहा था कि रेड वाइन आपको पसंद है। अब वाइन जो है वो तो जैसे अंगूर का जूस होती है, अब उसमें नशा चढ़ जाता है कभी कभार, तो कभी कभार ऐसी नेचुरल चीजें भी होती हैं जिसको अगर आप खाओ तो थोड़ा बहुत जो है उससे दिमाग इधर से उधर हो सकता है। जैसे कि मशरूम्स होते हैं एक तरह के, वो ग्रोथ नेचुरल होती है, मगर आप उसको खाओ तो थोड़ा सा आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो अगर बंदा वो नेचुरल चीज कंज्यूम कर ले बगैर पता उसको, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी हलाल है या हराम हो जाती है? मोहतरमा, जिस प्रोग्राम का हवाला दे रहे हैं, मैंने वहां मशरूब मगरब की बात की थी और वो रेड रंग की जो बोतल है जो आमतौर पर हम बुजुर्ग लोग पीते हैं अपने अंदर जिस्मानी तवानाई के लिए, मैंने उसकी बात की थी, वैन की मैंने बात नहीं की थी। आप अपनी इसलाह फरमा लें। और दूसरे नंबर जी, अपना अगली मुलाकात में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि नशा क्या है और खुमार क्या है। अल्लाह का जो कुरान कह रहा है कि जब इल्म और कौल यकसा हो तो आप समझें कि आप खुमारी कैफियत में नहीं है, जब आपका जहन, आपकी जबान उसके अंदर मुनासिबत न रहे। ये मैं बड़ी इल्मी बात कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम के आखिर में और इंशाल्लाह इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपका, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इस्लाम दीन को छोड़ देता है पाकिस्तान में रहते हुए तो उसकी सजा क्या है? बस ये लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन। मोहतरम, बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि जो शख्स इस्लाम जैसी नेमत को छोड़ रहा है, मैं यही कह सकता हूँ कि उस बेचारे की अकल के अंदर किस तरफ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा तौरात शरीफ को पढ़ा है, कई दफा इंजील मुकद्दस को पढ़ा है, सोफ इब्राहिम को पढ़ा है, आज अव्वल ता आखिर। आपके प्रोग्राम के आखिर में मैं कह रहा हूँ, माजी का इल्म हो, हाल का इल्म हो, मुस्तकबिल का इल्म हो, मुशाहदे का इल्म हो, गैब का इल्म हो, हकायक का इल्म हो, हत्ता के आसमानों का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, मुस्तकबिल के अंदर होने वाले माल वाकयात जो है हकायक है उनका इल्म हो, ना वो मसीहियत बताती है। मैं आखिर में आपको ये बात कह देता हूँ कि चलो निकाह को ले लेते हैं, तलाक को ले लेते हैं, अब आते हैं कुरान की तरफ, अब आते हैं इंजील मुकद्दस की तरफ। इंजील मुकद्दस के अंदर क्या तमाम मसाइल हैं, या ये सारे मसाइल किसने बताए? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुरान ने बताए, उसी का नाम इस्लाम है। मगर मैं इस बात को बड़ा अजीब समझूंगा कि जो शख्स इस्लाम को छोड़ रहा है, मगर जो अगर छोड़ देता है तो उसकी सजा क्या है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मोहतरम, बात यह है कि जो शख्स इस्लाम को छोड़ देता है तो अहादीस मुकद्दसा की रोशनी में 3 दिन तक उसे हम दावत देंगे कि फिर गौर व फिक्र करो। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे, तुमने जो इस्लाम छोड़ा है उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या तुमने अपनी निगाह में मौलवी को रखा है? क्या तुमने अपनी निगाह में किसी मुफ्ती को रखा है, उनके किसी किरदार को रखा है, उसकी किसी तकरीर को रखा है? खुदा ना, 3 दिन तक आप सोच के समझ के हमें अहले इल्म को बताएं कि इस्लाम की कौन सी बात ऐसी है जिसके ऊपर आपको एतराज है या इश्काल है। 3 दिन के अंदर उसको मुकम्मल समझाने की कोशिश की जाएगी, मुकम्मल समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको पता है कि जो आदमी फिर जिद करे, हट धर्मी करे, हकायक को तस्लीम न करे, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए आप खुद बता दें। इस्लाम ने भी वही सजा तजवीज की है। तो इसका मतलब है कि उनको या तो सजाए मौत मिल जाती है या उसको लोग मार देते हैं यूजुअली, राइट? थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच।